हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ एक हेयर ऑयल जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर डैमेज्ड हेयर। अगर आप उसे लगाते हैं, आप वीक में भी एक या दो बार अगर आप लगाएंगे तो बहुत जल्दी ये असर करता है और आपके जो रूट है, जो हेयर का जो रूट होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। जैसा कि आप सबको पता होगा, जिनकी अभी रिसेंट में डिलीवरी हुई है या होने वाली है, तो जो न्यू मदर होती हैं, डिलीवरी के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, बहुत 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 ज़्यादा, और जो बाल होते हैं वो रफ हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ योर हेयर। मेरे बाल उतने डैमेज नहीं है लकली, वो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, बहुत ज़्यादा हुआ है मेरा भी डिलीवरी के। करें इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारे इन्फॉर्मेशन जो भी मैं देती हूँ वो सब आपको मिले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ये हेयर ऑयल बनाते हैं और यूज़ करते हैं तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन कॉमेंट्स। मुझे आप सबके फीडबैक का इंतज़ार रहता है, और जो अपना फीडबैक शेयर करते हैं या वीडियो पसंद आता है वो लोग अपना जो व्यू होता है, ओपिनियन होता है, वो सब शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं अगर कमेंट करते हैं, मैं इनफैक्ट सबका रिप्लाई करती हूँ। तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मुझे बताएं, मुझे बहुत खुशी होती है आपके सारे कमेंट्स पढ़ के। तो फिर हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैं इस हेयर ऑयल के लिए क्या क्या ले रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहले जो मैं ले रही हूँ वो है कोकोनट ऑयल। आप देख सकते हैं मैं ये कौन सा यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं है, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, बहुत ज़्यादा प्योर होता है। अगर आपको ये मिल जाता है देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि मैं इसको ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैं ये मेधा के लिए भी यूज़ करती हूँ, उसके मालिश के लिए या उसके बालों में लगाने के लिए। और मैं कुछ ले रही हूँ करी लीव्स, और ये जो है ये है अनियन, और अनियन का जो रूट होता है ना वो रूट हमें लेना है। तो मैं अभी बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैं 2 ले रही हूँ। आप अगर आपको जो भी अपने ऑयल का क्वांटिटी रखना है उसके अकॉर्डिंग आप अनियन भी ले सकते हैं और करी पत्ता भी आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमें सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, आगे आगे जो भी मैं ऐड करूँगी वो सब आपको मैं वीडियो के दौरान ही बताती रहूँगी। तो चलिए अब इसे फटाफट हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक स्मॉल सा कोई कंटेनर आपको ले लेना है, और मैं करती हूँ गैस ऑन। तो इनिशियली आपको जो फ्लेम है वो हाई रखना है ताकि जो पानी हो वो सारा अच्छे से ड्राई हो जाना चाहिए। अगर पानी रह जाएगा तो ये जो ऑयल है, अगर आप इसको स्टोर करने की सोच रहे हैं तो वो ख़राब हो सकता है, तो पानी बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। तो मैं अभी बहुत ही कम क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 1-2 बार के लिए ही चाहिए। और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें कोकोनट ऑयल, तो मैं बस इतना ही ले रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल भी ऐड करूंगी क्योंकि मस्टर्ड ऑयल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और आपके रूट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप मस्टर्ड ऑयल जैसे कोई, क्योंकि हमारे तरफ क्या होता है ना बिहार, यूपी या वेस्ट बंगाल में, कि मस्टर्ड ऑयल को वो लोग बालों में लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। मैं बिल्कुल पूरा का पूरा मैं मस्टर्ड ऑयल नहीं लगाना चाहती क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। आप देख सकते हो ये बिल्कुल गर्म हो गया है, और कंटेनर जो है वो आप मोटा भी ले सकते हैं, पतला भी ले सकते हैं। मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हैं मैंने कितना मिलाया है। लाइक अगर मैंने 2 चम्मच मैंने कोकोनट ऑयल लिया है तो सिर्फ एक चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। एक बार ये गर्म हो जाता है उसके बाद आपको इसमें आप देख रहे हैं ना, ये प्याज वाला भी ऐड करेंगे, और ये दोनों ऐड करना है, थोड़ा क्रैकल करेगा ये, और आपको फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखना है। अनियन का ये जो रूट होता है ना, हम इसे इसलिए यूज करते हैं, आप अनियन भी यूज कर सकते हैं, बट ये रूट यूज करने का सबसे जो बड़ा रीजन होता है ना वो ये है कि जो सल्फर कंटेंट जो होता है प्याज में वो सबसे ज्यादा अगर कहीं स्टोर रहता है तो वो उसके रूट में रहता है। तो इसलिए आप इस रूट को फेंके ना और उसको यूज करें आप ऑयल बनाने में। आपको पूरा का पूरा प्याज जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जलाना नहीं है हमें इस प्याज को या फिर ये करी पत्ता को,
आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इसको आप 5 से 8 मिनट मैक्स, हुआ मैक्सिमम 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत क्विकली बन जाता है। और आप अगर चाहें तो इसे फ्रेश भी बना के लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल लंबा, बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप रखे नहीं बनाकर, आप जैसे कि आप अगर यूज करना चाहें तो मंथ में आप 2 बार बना लें। जब ये बन जाता है ना, तो मैं इसमें 1/2 स्पून इसमें नीम ऑयल डालूंगी और उसके बाद अपने बालों में लगाऊंगी। तो उससे एक्चुअली होगा क्या कि नीम ऑयल जो होता है वो एंटी फंगल होता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गए हैं तो वो सब जो है वो परमानेंटली आपको क्योर करता है। तो ये ऑलमोस्ट हो गया, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इसमें अब धुआं उठ रहा है, आप देख सकते हो ये धुआं उठने लगा है। तो ये जल जाएगा, अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ, इसको मैं थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको छान लूंगी। ठंडा करने के बाद इसमें नीम ऑयल डालना है आपको, नीम ऑयल अभी नहीं डालना है, नीम ऑयल को बॉयल नहीं करना है। तो एक बार ये ठंडा करके और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे छान लिया है, आप देख सकते हो, इसको थोड़ा दबा दबा के इसे निकालना है, क्योंकि इसमें जो है वो ऑयल होगा। तो आपको अच्छे से दबा दबा के, और आपको पतला वाला छन्नी यूज करना है, इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। मोटा वाले से क्या होता है कि अगर आप इसको थोड़ा प्रेस करोगे तो मे बी जो इसका पार्टिकल हो वो कड़ी पत्ता कहीं से टूट के आ सकता है। ये रहा मेरा वो ऑयल, मैंने ये डाबर का नीम तेल यूज कर रही हूँ, तो मैं यही इसमें 1/2 स्पून डालूंगी, बिल्कुल 1/2 स्पून, ज्यादा नहीं, इतना डालूंगी। और आपको अच्छे से मिला लेना है, इसको थोड़ा वार्म भी आप रख सकते हैं, क्योंकि वार्म तेल से जो एब्जॉर्प्शन होता है तेल का वो बहुत जल्दी होता है, तो थोड़ा वार्म ही रख सकते हैं आप, बिल्कुल ठंडा करने की जरूरत नहीं है। और ये थोड़ा वार्म ही है, और इसको मैं अभी अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। मैंने ये ले लिया है, अब मैं इसको एक बार आपको लगा के दिखाती हूँ, आपको अच्छे से कोम कर देना है। आपको बीच पार्टीशन करें और इससे आपको धीरे धीरे मसाज करना है। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल रूट्स में आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, और आप ये थोड़ा वार्म ही रखें, ये बहुत जल्दी आपको फायदा करेगा। आप लगा के देखें, आपको बहुत जल्दी आपको फर्क पता चलेगा इससे। अभी सेकंड मैं करूंगी, तो एक ले लिया है। अभी आप अपने हाथों से भी पार्टीशन कर सकते हैं, मैं भी कोम का हेल्प ले रही हूँ, आप हाथों का भी यूज कर सकते हैं। और सिमिलरली आपको ऐसे ऐसे लगाना है, बिल्कुल रूट्स में ही लगाना, आप बालों के ऊपर ऊपर ना लगाएं, आपको बिल्कुल रूट्स में ही लगाना है, तभी ये जो है वो इफेक्टिव होगा। अगर आपके बाल अगर बहुत ज्यादा अगर अगर डैमेज हो गए ना बहुत ज्यादा, ये तेल आपके लिए बिल्कुल मैजिक का काम करेगा, आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी है ना बनाना, जो हर्बल प्रोडक्ट होता है या इस तरह के जो ऑयल होते हैं ना जो मार्केट में आपको ऑर्गेनिक के नाम पे मिलता है, वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। आपको जो छोटे वाले होते हैं ना लाइक 100 ml, वो 800, 900, 1000 ऐसे टाइप में आता है। तो आप ये जो है ना आप घर में बना सकते हैं, जो ऑर्गेनिक ऑयल है, जो मैंने आपको कोकोनट ऑयल दिखाया, आप सेम वो कोकोनट अगर आपको मिल जाता है ना कहीं से तो आप चेक कर सकते हो, मुझे नहीं पता है ये अमेजोन पे अवेलेबल है या नहीं, बट अगर ये अवेलेबल होगा अमेजोन पे तो मैं एक बार देखती हूँ, मैं आपको लिंक दे दूंगी। ये जो ऑयल है ये मैं यहाँ पे किसी ऑर्गेनिक स्टोर से मैंने लिया है बैंगलोर में, अगर ये दिख जाता है अमेजोन पे तो मैं इसका लिंक दे दूंगी। बट ये जो ऑयल है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप सोचो कि मैं मेधा के लिए यूज कर रही हूँ, तो इतना अच्छा है तभी तो मैं बेबी के लिए यूज कर रही हूँ ना, बेबी की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मुझे याद नहीं है इसका प्राइस, बट ये विद इन 500 आया है, इनफैक्ट 400 मुझे लगता है, 400 में 1 kg, और ये ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं, और 6 महीने से मैं यूज कर रही हूँ और मेधा के लिए भी यूज कर रही हूँ। अगर आपको ये मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो आप जो पैराशूट वाला जो होता है ना कोकोनट ऑयल, वो भी यूज कर सकते हैं।
तो ये हो गया है। अभी पीछे जो है, पीछे थोड़ा अप्लाई कर लेती हूँ मैं, बिल्कुल वैसे ही आपको पार्टीशन करके, और आपको धीरे धीरे आपको रूट्स में लगाना है। जो ये बाल है, इस यहाँ भी आपको एंड्स पे भी आप लगा सकते हैं, जो आपका जो बालों के लास्ट में स्प्लिट एंड्स और ये सब जो आ जाते हैं ना, वो सब भी इससे ट्रीट होगा। ये करने के बाद आप एक और कर सकते हैं ये काम, इसके इस ये करने के बाद जो हेयर स्पा होता है, हेयर स्पा में क्या करते हैं वो लोग, हेयर स्पा में बालों में जो होता है वो मास्क लगा के, और उसके बाद फिर वो लोग स्टीम देते हैं। तो आप सेम यही कर सकते हैं, ये हेयर ऑयल अप्लाई करने के बाद आप आधे घंटे के लिए आप एक कोई गर्म कोई मोटा सा टॉवल लेकर और उसको गर्म पानी में डुबोकर उसको आप अच्छे से निचोड़ के और अपने बालों में लगा के आप आधे घंटे तक रखें, ये बहुत ज्यादा काम करेगा। बट हाँ, एवरी वीक आपको लेने की जरूरत नहीं है ये, वरना जो बाल है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा। हाँ, आप मंथ में एक बार कर सकते हैं। तो जो मेरा ये ऑयलिंग है ये तो खत्म हो गया, तो आप सब भी अपने बालों पे ध्यान दें। जैसे बालों का जो ट्रीटमेंट होता है ना, बिल्कुल एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट, आपको पार्लर जाना पड़ रहा है वो सब कराने के लिए, तो वो सब अवॉइड करने के लिए आप ये जो रूटीन है ये फॉलो कर सकते हैं, ये ऑयल यूज कर सकते हैं। तो मेरा ऑयलिंग जो है वो हो गया है खत्म। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये ऑयल आप बनाते हैं, अगर अगर यूज करते हैं और अगर आपको ये अच्छा लगता है और आपके बालों को सूट करता है, आपको जो भी जिस तरह का भी आपका फीडबैक हो आप प्लीज शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज बाय।